सो हेलो मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों, तो आप सब का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज अपन लोग एक बार फिर से क्या करने वाले हैं, वैसे तो हम कुछ करते नहीं है, नल्ले ही पड़े रहते हैं, लेकिन फिर से अपन लोग जो है न्यू इवेंट की अनबॉक्सिंग करने वाले। हाँ, ये वुड पिकर वाला तो मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे को वुड पिकर पसंद नहीं है वैसे। तो यहाँ पर न्यू इवेंट आया हुआ है जिसमें मिल रहा है तुमको एक बंडल। इसका नाम तो बता दे बाबा। नहीं बता रहा। तो गाइस कोई नहीं, यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ लेते। हिस्ट्री मैंने अभी तक कुछ स्पिन नहीं किया तो हिस्ट्री होगी नहीं। तो यहाँ पर जो है कुछ अलग ही झोल झाल चल रहा है इनका। पहले तो यार फ्री का स्पिन दे रहे हैं, और तुमको पता है सबसे पहले फ्री का स्पिन तो हम ऐसे दबा देते हैं। चलो फ्री का स्पिन मार ही डालते हैं, देखेंगे क्या मिलेगा हमको। और यहाँ पर क्या है, क्लेम नेक्स्ट स्पिन 9 डायमंड, डिस्काउंट नेक्स्ट स्पिन 4 डायमंड। ये क्या चीज है भाई? नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैंने जो है लगातार स्पिन पे स्पिन मारा था, मेरे को मिला ही नहीं था कुछ। तो अभी हम सोच समझ के स्पिन मारेंगे। पहला तो हमको मिला नहीं, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है। ये क्या चीज है भाई? यहाँ पर देखो कट कट का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये चीजें हमको मिली नहीं। शाबाश। ये चल क्या रहा है यार? गैरिना वाले न्यू इवेंट लाते हैं, उसका मेरे को समझ नहीं आता क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमने एक और नेक्स्ट स्पिन डिस्काउंट का कर लिया है, अब हमको क्या मिलेगा? और डायमंड वाउचर, ओ चलो चलो 199 का एक और स्पिन, और अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला। चलो गाइस यहाँ पर जो फमास हमको मिल चुकी है फाइनली, और पहले तो मेरे को बंडल मिल जाए यही हमारे लिए काफी होगा। मिल गया। तो अभी तो पहले तो हम इस बंडल को पहनेंगे, पहले दिखाएंगे। बाल तो बड़े कमाल के लग रहे, इसके मुंह वाला कुछ नहीं है, और ये ड्रेस कांगी। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा कि गोल्ड पहन के आया है बंदा। कुछ भी। तो अपन लोगों की लैंडिंग होने वाली है हमेशा की तरह फैक्ट्री में। वल हबीबे हम बहुत सुंदर लगती है आज, बहुत ही कमाल का लगती है, ऐसा लगती है हम दूल्हा बन चुकी है, लेकिन साला कभी दूल्हा बने नहीं हम लोग। तो यहाँ पर जो बंदे बहुत आ रहे, इनकी जो है एक एक की मुंडी अपन लोग फोड़ने वाले हैं। यार इतने सारे बंदों के बीच में जिंदा रहना एक रिस्की काम है, बोले तो यार। शेर के झुंड में भेड़िया, क्या बोला तूने? नहीं ऐसा नहीं बोलते रे बाबा, शेर के झुंड में भेड़िया नहीं भाई, हम भेड़िया थोड़ी ना है, मतलब कि भेड़ियों के झुंड में शेर, हाँ ये बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा, ये पागल कोई तरह पता नहीं किसको मारे जा रहा था, हमने भी इसको ठोक डाला। और ये दूसरा बंदा, और मुंडी फोड़ी बंदा डाउन। अबे हमको मिल चुके ड्रैगन, अब अभी बंदों को दिखाओ रे बाबा, अभी हम सबको ठोकेगा। और ये बंदा का पैराशूट थोड़ा खराब था बेचारा, बहुत लेट उतरा है, और इतना लेट उतरा है कि हमने इसको ऊपर ही ठोक डाला है। अभी पहले मेरे को और बंदे किधर को है रे बाबा, इतने सारे। हाँ चलो चलो ये भी खत्म, और भी तो थे इतने सारे बंदे। वो सामने की साइड लड़ रहे बाबा। तो यहाँ पर जो पहले निकलते पहली पड़ते थे उस साइड, और इन बंदों को ठोकते। ये देखो भाई साहब, एक दूसरे के साथ लड़ रहे भाई, हम भी तो है ऊपर। यहाँ पर हो चुके हमारे टोटल 7 किल, अभी भी नीचे बंदे अलाइव है। इसका मतलब समझे दया, हमको दरवाजा तोड़ कर जाना पड़ेगा। अबे साले, नहीं वैसे दरवाजा तो है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। और एक और बंदा, और बंदा का हेडशॉट, बंदा खत्म। लीजेंड भैया सीधे खत्म, लीजेंड नाम रख दिए हो लेकिन लीजेंड नहीं बन पाए। तो यहाँ पर सामने की साइड कोई तो मार रहा है यार मेरे को। ओए होए होए, टावर पे बंदा बैठा पता नहीं क्या कर रहा था। चलो ये भी डाउन। और अभी भी मेरे को फीलिंग आ रही है कि नीचे अभी बंदे अलाइव हैं यार, मेरे को ऐसी अंदर से फीलिंग आती है। और जब भी मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, सच्ची में रहते हैं बंदे नीचे। ओ आवाज आ रही मेरे को, एक मिनट, ये देखो नंगे बंदे तो अभी नीचे ही बैठे हुए। और ये बंदा, ये भी खत्म। टीजी आकाश आयुष दोनों नल्ले आदमी खत्म, बोले तो ओपी वाला अपना गेम प्ले हो चुका है। टोटल 11 किल कर दिया हमने फैक्ट्री के ऊपर रहते रहते। भाई साहब इतने सारे किल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने लोगों के 11 किल हो चुके हैं बड़ी मुश्किलों के बाद। बबजूद चाइनीज बोलते, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। नहीं बबजूद नहीं बोलते उसको, बावजूद बोलते है।
तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने के लिए आपको थम्स अप का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा डालो, जोर से दबा डालो, इतना जोर से दबा डालो कि उसकी अंगुलियां टूट जाए। नहीं, उसकी अंगुलियां तो टूटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाल बटन दबा डालो, उसको सफेद कर डालो। और सामने फिर से काला जादू हो रहा है यार, कितनी बार समझाऊं इन लोगों को कि हमारी गलियों में काला जादू मत किया करो, लेकिन समझते नहीं है। कहाँ गए बंदे, कहाँ गया तू? अरे निकल रहे तू। हाँ बंदा मिला मेरे को और ये बंदा खत्म, बोले तो ओपी वाला। अभी इसका दूसरा नल्ला आदमी येरा भाग रहा भाई, भाग रहा। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की, अगर लड़की हुई तो देखेंगे गाइस, और अगर लड़का हुआ तो यार क्या कर लेंगे यार, हम मारेंगे उनको। तो यहाँ पर पहले देखना तो पड़ेगा मेरे को किधर को रही है रे बाबा, ओए रे किधर को है रे तू, आजा हमारी तेरे पास। वाला हबीब हम तुमको बहुत सुंदर सुंदर बंदे ढूंढ के देती। ये तो बंदा निकली रे बाबा, अभी इसको जो है अपने पास है वकांडा की शील्ड, क्या बोलती रे पब्लिक। और ये बंदा डाउन, इसको मार देते पहली फुर्सत में, इससे पहले हमको ठोक डाले। अरे ये बंदा अभी अभी उतरा था, इसके बंदे को मैंने डाउन किया था फिर भी ये डाउन हुआ, इसका मतलब कि ये दूसरा बंदा है। तो यहाँ पर हमने कर दिया टोटल 13 किल। अभी सामने चल रही है लैम्बोर्गिनी, और ये साला लैम्बोर्गिनी चलाते मेरे सामने सामने, हाँ ऐसा कैसे। और ये बंदा रुक जा, एक गोली की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, रुक जा भाई। वो निकल गया गाइस, वो पहली फुर्सत में निकल गया, अच्छा था वो बंदा, वो पहली फुर्सत में निकल गया, अच्छा था वो बंदा, इससे पहले कि दूसरा बंदा मार दे उसको मारना पड़ेगा मेरे को। कहाँ गया रे, रुक जा, तू कहाँ जा रहा है। मेरे को लग रहा है ये भी डाउन हुआ। अबे कितने बंदे डाउन हो रहे भाई, हम सोलो वर्सेस डुओ खेल रहे फिर भी बंदे डाउन पे डाउन हुए जा रहे। तो यहाँ पर सामने की साइड बंदे डाउन है, दोनों डैमेज है, इनके पास ना तो ग्लू वॉल है ना तो कुछ है, तो इनको तो ग्लू वॉल फोड़ के मारूंगा मैं। एक बंदा डाउन, दूसरा बंदा यहाँ पर है, ये तो पहले से ही डैमेज था, दोनों नल्ले आदमी खत्म। और इसी के साथ हो चुके हमारे टोटल 16 किल। अरे बाप रे बाप, मतलब अभी तक मैं फैक्ट्री से इधर उधर भी नहीं गया, 16 किल कर दिया अपन लोगों ने यार। सही में यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, कसम से बोल रहा हूँ यार, मैं हिमालय के पर्वत में चढ़कर दो टांगों दो पैरों पे खड़ा होकर 10 दिन तक तपस्या करने के बाद ये वाली शक्तियाँ मेरे अंदर से बाहर निकली है। बस एक बार बुइया हो जाए तो मजा आ जाए यार, बस बुइया का मेरे को कुछ करना पड़ेगा, साला बुइया नहीं होता यार। किल तो मैं अच्छे खासे कर लेता हूँ, लेकिन आखिर में कोई भी बंदा आके मेरे को ठोक के चला जाता है, ये वाली चीज मेरे को सबसे बुरी लगती है यार, बुइया नहीं होता यार हमारा। कितनी बार हम दो टांगों दो पैरों पे खड़े हो चुके लेकिन फिर भी हमारा बुइया नहीं होता है। 10 बार हम हिमालय की चोटियों पे चढ़ चुके लेकिन फिर भी बुइया नहीं होता है। तो हमने अपनी छाती वाती अपग्रेड कर लिए, लेवल 4 की कर दिए, कोई हमको फोड़ नहीं सकता है। और इसी के साथ नीचे मंगवाया है किसी ने एयर ड्रॉप, ये कैसे बंदे है भाई, ड्रॉप मंगा रहे लेकिन श्रिंक जोन में, ये कौन है रे नल्ले आदमी, बाहर तो निकलो, हमें तुम्हारी शकल वकल देखनी है। और बंदा निकला पहली फुर्सत में, शकल तो अच्छी है लेकिन दूसरे बंदे की भी तो देखनी पड़ेगी मेरे को। और ये बंदा डाउन, अरे जब तक इनका ये ड्रॉप आता है इनको तो हम निपटा ही डालेंगे। तो यहाँ पर और ये बंदा निकल रहा पीछे, बंदा खत्म। मैंने बोला था ना जब तक इनका ये ड्रॉप आता है तब तक इनको निपटा ही डालते हैं। और दिमाग तो देखो इन लोगों पे भाई, श्रिंक जोन में जो है एयर ड्रॉप मंगवा रहे भाई, किससे कवर लेना चाहते थे। तो यहाँ पर 18 किलो हो चुके हमारे, सामने ड्रॉप व्रॉप पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसमें लॉन्चर वॉन्चर मिल जाए तो हमारी जिंदगी लल्लम लाल हो जाए, लेकिन साला ड्रॉप मिलता रुक जा एक मिनट बंदे वहाँ पर। और ये हेडशॉट यार, हम ट्रेगनोव से कभी कभी पीरो लगते हैं यार, कसम से बोल रहा हूँ यार, जिंदगी हमारी बिल्कुल तार तार हो जाती है। तो यहाँ पर एक बंदा डाउन, दूसरे यहाँ से कोई फायर दे रहा है, ओए होए होए, दो बंदे यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर। अभी अपन लोग अपना 2.5 किलो का दिमाग चलाएगा, पहले जो है इन दो बंदों में से एक बंदे को निपटाएगा और फिर इन दोनों को बीच में, हम दोनों के बीच में दोनों को निपटाएंगे। और ये बंदी डाउन, और अभी जो है ये बंदा मर जा, बंदा खत्म। इसको बोलते हैं 2.5 किलो का दिमाग, जब चलता है तो ट्रेन की स्पीड से चलता है,
देखा हमने कितना कमाल का लगाया। वो दोनों लल्ले आदमी उस अकेले बंदे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन हमने फायदा उठा लिया है। तो यहाँ पर जो ग्लू वॉल बहुत सारी पड़ी है, ग्लू वॉल उठा लेते। और गाइस अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर डालो, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरा फेस रिवील अभी तक देखा नहीं है। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम में, वहाँ पर मैंने फोटो वोटो डाल ली है। मैं कितनी बार बोलूंगा यार मैं। तो यहाँ पर सामने बंदा है और ये हेडशॉट, यार आज हम सच्ची में बोल रहे हैं यार, हेडशॉट मशीन बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है यार अपन ही है हेडशॉट किंग। चलो तो पहले इनको निपटा डालते। 21 और एक 22, 22 किलो चुके। एक और बंदा यहाँ पर है इसी के साथ। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं, ये का 98 मार रहा है और ये जो हम पर एम करके बैठा है, इसका मतलब कि इसको निकलने और बंदा खत्म। अरे भाई हेडशॉट, अरे 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 भाई ऐसा हेडशॉट कैसे मार लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसी के साथ अपने कहते टोटल 23 किल बचे, कुल दो आखिरी का बंदे। और यही सबसे मुसीबत की बात मेरे लिए होती है यार, आखिरी के दो बंदों को मैं मार नहीं सकता हूँ यार। ऐसा लगता है यार कि कुछ तो दुश्मनी है गरीना वालों को मेरे से, कि आखिरी के बंदे मेरे से मरते नहीं है। अगर मैं एक बंदे को ठोक भी डालूं फिर भी दूसरा बंदा मेरे को मार के चला जाता है। ऐसा लगता है यार कि पक्का कुछ ना कुछ तो लोचा है गरीना वालों को मेरे साथ। तो यहाँ पर जो दो बंदे बचे हैं, लेकिन साला मेरे को दिखाई कोई नहीं दे रहा है। अभी बंदा दिखा मेरे को ऊपर से भागता हुआ, कोई तो दिखा मेरे को। अभी ये शायद पेड़ों के पीछे छुपे ले हैं, इन्होंने मेरे को देखा तो नहीं है। और ये 54 निकल जाता हूँ इधर उधर। और ये एक और बंदा यहाँ पर, और ये बंदा डाउन। दूसरा बंदा यहीं पर है, इससे पहले रिवाइव हो जाए हम ठोक डालेगा सबको। अरे रे 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 बाबा बाबा, उस पर शॉट करने रे बाबा। अरे नहीं 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 यार यार यार, मेरी पहली वाट लगी पड़ी है हेल्थ की। तो यहाँ पर पहले मेडकिट मार देते हैं, इससे पहले हम लुढ़क जाए। अरे बाबा एक मिनट। और अरे बाबा मैं मर गया, मर रहा मैं तो निकल गया पहली फुर्सत। एक गुल्लू वाली यहाँ पर, एक गुल्लू वाली यहाँ। लो मेरे को पता ही था यार, साला मेरे को आखिर में कोई ना कोई मार के चला जाता है यार। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, ऐसा यार अब क्या बोलूं यार मैं। तो गाइस फिर से अपना पोपट हो चुका है हमेशा की तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन। So